अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज चिकन सीख कबाब मलाई मसाला बनने लगे हैं, और ये इतने टेस्टी हैं और इतने मज़ेदार होते हैं कि आपने बार बार बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है रेसिपी। चिकन का कीमा लिया है मैंने 1 किलो, और देखिए कितना बारीक है, इतना इसको बारीक आपने पीसना है। और इसमें जो मसाले जाएंगे मैं बताती हूँ आपको, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। तो नमक लिया है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, यानी कि सफ़ेद गोल वाली जो मिर्च होती है इनका पाउडर, ये सब ठीक है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर, और कुटी मिर्च लिए 1 टीस्पून, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये भुना कुटा ज़ीरा है 2 टेबलस्पून, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और हरी मिर्चें हैं 6 अदद, बारीक बारीक चॉप की हुई, या पेस्ट ले लें आप, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज है 1 मैंने ग्रेट किया हुआ, और इसमें देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, खुश्क है, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और लहसुन लिया है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ, तो ये भी डाल देंगे इसमें। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबलस्पून भर के, तो ये भी डाल देंगे क्योंकि बाइंडिंग के लिए बहुत बेस्ट है ये। और ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है 2 टेबलस्पून, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की बलाई भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून भर के। और दही डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 4 टेबलस्पून, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। बाइंडिंग के लिए बेस्ट चीज़ें हैं ये, तो ये खुलते नहीं कबाब, आप बना के देखिएगा। और ऑयल डाल देंगे 2 टेबलस्पून इसके अंदर, अगर घी है तो घी डाल दें आप, मक्खन है तो वो डाल दें। और इनको सबको मिक्स कर लेंगे हम। और ये बहुत अच्छा सा मिक्स मैंने कर लिया था, और ये धनिया पाउडर रह गया था ये मैं भूल गई थी, तो ये डाल देंगे 1 टेबलस्पून इसके अंदर भर के, और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कीमा उठाएंगे, कोई सीख ले लें या कोई पेंसिल ले लें या कुछ भी ले लें, चम्मच के पीछे वाली जो साइड होती है उससे भी लोग कबाब बनाते हैं, तो आप अगर कुछ नहीं है तो वो ले लें। तो मैंने पेंसिल ली है, और सीख कबाब की शेप दे लेंगे इसको। ये देखें इस तरीके से इसको दबाते जाएँ और बड़ा करते जाएँ, तो ये बहुत अच्छा सा कबाब रेडी हो जाएगा, और बहुत जल्दी बन जाता है ये। आप ये देख सकते हैं बन गया, और मैंने उतार लिया है इसको, रख लेंगे। और ऑयल गरम है, इसको फ्राई करते जाएंगे साथ साथ हम। तो जैसे ही ऑयल गरम हो उसमें ये डालते जाएं आप। और जितने फ्राई पैन में आएंगे मैं डाल दूंगी इसके अंदर, इस तरीके से ही देखें। 1 से 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे हम। और 1 से 2 मिनट हो गए, साइड चेंज करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर आना चाहिए, इस तरीके से ही देखें, बहुत अच्छा लगता है कलर, क्योंकि जब पकेंगे सालन के अंदर तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ये। तो सबकी साइड चेंज कर देती हूँ मैं, और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम। और दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ, और बाकी के भी जो हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं हम। तो सारे मैंने फ्राई कर लिए थे, अब मैंने क्या किया है, कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला है मैंने 1/2 कप ऑयल का, तो ये डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून पिसा हुआ, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
और मैंने प्याज ली थी चॉप की हुई, यानी कि उसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। दो प्याज थी मीडियम साइज़ की, ये देखें चॉप से भी ज़्यादा बारीक की हुई है मैंने, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपने पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में डाल के तो पेस्ट बना लें। तो मैं डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फ्राई कर लूँगी, सिर्फ 2 से 4 मिनट फ्राई करना है इसको, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। और ये देखें फ्राई हो गई है। तो इसमें नमक डाल दूंगी हसबे ज़रूरत 1 टीस्पून, और ये मिर्चों का पाउडर है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, ये डाल दिया मैंने इसमें 1 टीस्पून। दही है 250 ग्राम, ये डाल देंगे इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे इसको। हैं इसमें उबाल आ गया है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे कुटी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और ये खशखाश है ये पिसी है मैंने सिलबट्टे में, 1 टेबलस्पून भर के डालना आपने ये। अगर आपके पास खशखाश नहीं है आप बादाम डाल दें पीस के, तो ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून जाएगा, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, तो इन सबको डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, भुनाई कर लेते हैं इनकी। और इसको मैंने मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला था तकरीबन 2 टेबलस्पून, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे इसमें। और ये जो कबाब मैंने फ्राई किए थे फ्राई पैन में ही हैं, और इसमें देखें ऑयल भी है, ये सब इसमें डाल देंगे हम। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम पकाएंगे भी थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये अच्छी तरह कबाब गल जाए अंदर से भी। और ये पानी डाल देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, तो ये मैंने डाल दिया है, और इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, मसाला भी पक जाए अंदर से। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद, और 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इनको। और ये मैं क्रीम डाल रही हूँ 1/2 पैकेट, तो ये मैं क्रीम डाल के इसमें मिक्स करूँगी इस तरीके से। और इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है हमारा। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी इस तरीके से, और इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि खुशबू अंदर से रस पस जाए अच्छी तरह। तो डिश आउट करके भी दिखाऊंगी मैं। और ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए, बहुत ही मज़ेदार सी VIP सी हमारी चिकन सीख कबाब मलाई मसाला रेडी हो गया है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, और फीडबैक में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। तो दुआ में याद रखिएगा, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।